हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बेबी वियन ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी कविता है सर्दी आई। कल मैंने आपको सर्दी के बारे में बताया था, ऋतुओं के बारे में बताया था कि भारत में 6 ऋतुएं बारी बारी आती हैं और सर्दी में कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं और गर्माहट हमें किससे मिलती है। आज हम यह कविता पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है स्टूडेंट्स, आपको यह कविता सबको ही याद करनी चाहिए, सर्दी के ऊपर कविता। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई, सब ने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ सभी की चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हांप रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सफदर हाशमी की यह कविता है, बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता है। आप सभी को सर्दी के ऊपर यह कविता याद करनी चाहिए। चलिए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। जब सर्दी आती है, यहाँ पे कवि ने कहा है कि सर्दी आ गई है, जैसे ही सर्दी आ गई है वैसे ही सबने ठंड की वर्दी पहन ली है, अर्थात ठंड वाले कपड़े जो ठंड को रोकते हैं वो कपड़े पहन लिए हैं। किससे बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए। जो सर्दी आती है वो ठंड की वर्दी पहने हुए आती है, यानी चारों तरफ ठंड ही ठंड रहती है। और हम कौन से कपड़े पहनते हैं? हम ऊनी और गर्म कपड़े पहनते हैं ठंड से बचने के लिए। सब ने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। चाहे कोई दुबला हो, चाहे कोई मोटा तगड़ा इंसान हो, सब ने ढेर सारे कपड़े पहन रखे हैं। बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं ना सर्दियों में ठंड से बचने के लिए। तो वही इसमें पूरा वर्णन किया गया है। देखो, सारे लोग भी बैठे हैं सर्दी के कपड़े पहने हुए, आग जला रखी है उन्होंने, बहुत ठंड लग रही है, तो ठंड से बचने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। सबकी नाक लाल कैसे हो गई? सर्दी के कारण। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हवाओं से हमारा नाक कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब आप स्कूल आते हैं और आपके फेस पे हवा लगती है ठंडी, तो नाक लाल हो जाती है ना, बिल्कुल टमाटर जैसी। तो वैसे ही सबकी नाक लाल हो जाती है। सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। जो चाल है वो कैसी हो जाती है? सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है। धीरे धीरे चल पाता है इंसान, ज़्यादा जोर तेज़ तेज़ नहीं चल पाता है, क्योंकि उसको ठंड लगती है, तो वो ठंड के मारे धीरे धीरे चलता है। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठिठुरते हैं सर्दी के कारण, कांपते रहते हैं, हमारे दांत कांपते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, हाथ ठिठुरते रहते हैं ना सर्दी में। दौड़ रहे हैं, हांफ रहे हैं, और दौड़ते हैं तो क्या होता है? हांफ जाते हैं दौड़ते दौड़ते। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छांव में बैठे तो भी सर्दी। अब सर्दी जो है वो हर जगह हो रही है, चाहे धूप में चले जाएं, चाहे छांव में चले जाएं, हर जगह क्या है? सर्दी है। बड़े ही परेशान कर दिया सर्दी ने। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। अगर बिस्तर के अंदर जाएं तो भी कई देर तक गर्माहट आती ही नहीं है, ठंड से ठिठुरते रहते हैं कि ये जल्दी से गर्म क्यों नहीं हो रहा बिस्तर, है ना। और बिस्तर के बाहर तो जैसे सर्दी ही सर्दी है। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। सर से लेके पैर तक सब कुछ ठंडा ठंडा, सब कुछ, हर जगह सर्दी सर्दी लग रही है। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। अब इतनी सारी सर्दी किसने कर दी? मौसम ने कर दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, अंदर अंडे के अंदर का जो होता है पीलापन, उसको जर्दी कहा गया है। तो अंडे की जो जर्दी है वो भी जम जाती है सर्दी के कारण, इतनी भयंकर सर्दी हो रही है। क्योंकि अंडा तो बहुत गर्म होता है, उसके अंदर की जर्दी भी जम गई है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है। सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी।
अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि जो जाड़े का मौसम है, जाड़ा यहाँ पे सर्दी को कहा गया है, वो कैसा मौसम है? बेदर्दी। बेदर्दी यानी जिसको दर्द का आभास नहीं होता है और दूसरों को क्या देता रहता है? सर्दी का दर्द देता रहता है, सर्दी सहन करने का दर्द देता रहता है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है, आप इसको ज़रूर याद करेंगे, है ना अच्छी कविता। और जिस तरह से मैंने आपको बोल के बताया है, उसी तरह से आप अपने स्कूल में जब आप आएंगे और सर्दी का मौसम रहेगा तो आप यह कविता ज़रूर सुनाएगा। ओके, थैंक यू।